नमस्कार, आप सब लोगों को गुड आफ्टरनून। मैं रंजन smartfinancein.com से ये वीडियो बना रहा हूं। इस वीडियो में चार सीक्रेट स्टेप्स ऑफ इंप्लीमेंटेशन द डेबिट कैलेंडर को सीखेंगे, यानी कि जो डेबिट कैलेंडर हुआ या लॉन्ग स्ट्रैंगल हुआ उसको चार जो उसमें महत्वपूर्ण स्टेप्स है, सीक्रेट स्टेप्स है, इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, वही स्टेप्स को हम सीखेंगे। एंड यही स्टेप्स को यूज करके अगर आप इंप्लीमेंट करते हो तो आपको बहुत बढ़िया फायदा मिलेगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा। एंड ये जो दोनों स्ट्रैटेजी के ऊपर में मैंने ऑलरेडी मेरे जो चैनल है इसमें चार वीडियो दे चुका हूं, दो इंग्लिश में दो हिंदी में। 26 तारीख को डेबिट कैलेंडर के बारे में बताया था, 25 तारीख को आप लोगों को स्ट्रैंगल के बारे में बताया। उसी को समराइज करेंगे, छोटा सा वीडियो रहेगा, इसमें सारे चीज आएगा। एंड आप ये जो चैनल को जब भी विजिट करते हो, यहाँ पे हमारा जो भी सोशल लिंक्स दिया गया है, टेलीग्राम चैनल हुआ, फेसबुक हुआ, ट्विटर हुआ, इसमें आप अपने आप को थोड़ा सब्सक्राइब करो, अटैच होके रहो, तो इसमें क्या होगा, जब भी कोई इंफॉर्मेशन आता है हम आपको बहुत जल्दी कम्युनिकेट कर पाएंगे। एंड अभी जो हमारा जो कोर्सेस एंड सॉफ्टवेयर थे इसका बहुत बढ़िया डिस्काउंट चल रहा है, दिवाली तक रहेगा। अगर आप इसमें कोई इंटरेस्ट रखते हो तो आप ये सॉफ्टवेयर या कोर्सेस को दिवाली का डिस्काउंट में ले सकते हो। तो बढ़ते हैं आज के वीडियो के तरफ। चार सीक्रेट स्टेप्स, इसको मैंने टाइटल ये दिया है, डेबिट कैलेंडर एंड लॉन्ग स्ट्रैंगल को कैसे इनिशिएट करेंगे, इसी के ऊपर में रहेगा। इसके ऊपर में इंडिविजुअल वीडियोस ऑलरेडी मेरे चैनल में डाल दिया गया है, आप जब भी समय मिले आप इसको देख लीजिएगा। तो आज इसको समराइज करूंगा। तो यहां पे जो स्टेप्स रहेंगे इसको इंप्लीमेंट करने के लिए, इसमें जो पहला जो हमारा स्टेप्स रहेगा, पहला स्टेप्स रहेगा, इसमें हम फ्यूचर प्राइस को देखेंगे कि फ्यूचर प्राइस एंड इसके साथ में इसका जो रिलेशनशिप है। तो यहां पे जो पहला पॉइंट हमारा एनालिसिस रहेगा ये रहेगा फ्यूचर प्राइस, मॉनिटर फ्यूचर प्राइस एंड स्पॉट प्राइस। स्पॉट प्राइस को फ्यूचर प्राइस के साथ में कंपेयर करके हम देखेंगे क्या फ्यूचर स्पॉट के हिसाब से प्रीमियम में चल रहा है या डिस्काउंट में चल रहा है। अगर ये प्रीमियम 0.25% से ज्यादा रहता है स्पॉट के हिसाब से, तब को हम मानेंगे कि ये एक अपट्रेंड है, चाहे करेक्शन हो वो तो थोड़ा सा करेक्शन के समय में थोड़ा आप बोलेंगे कि थोड़ा अब ट्रेंड रुक गया है, बट ट्रेंड बदला नहीं है। ट्रेंड तभी बदलेगा जब फ्यूचर्स डिस्काउंट में आएंगे स्पॉट के हिसाब से। तो इस समय में अगर फ्यूचर प्रीमियम में है तो हमें डेबिट कैलेंडर बनाना है पुट ऑप्शन में। यह हमारा पहला कंक्लूजन यहां से निकलेगा। अगर फ्यूचर डिस्काउंट में चला गया हमें डेबिट कैलेंडर बनाना है कॉल ऑप्शन में, यही हम रखेंगे। हम लॉन्ग स्ट्रैंगल भी बना सकते हैं एंड ये जो लॉन्ग स्ट्रैंगल बनाएंगे इसका भी एक विधि रहेगा। अगर डिस्काउंट में है तो हम जो लॉन्ग स्ट्रैंगल में जो कॉल एंड पुट्स लेंगे उसको थोड़ा उल्टा कर देंगे, यानी कि कॉल जो रहेगा वो लॉन्गेस्ट एक्सपायरी का रहेगा, जो पुट रहेगा वो नियर और फार मंथ का ही रहेगा अगर फ्यूचर डिस्काउंट में है तो। नेचर वही रहेगा लॉन्ग स्ट्रैंगल एंड डेबिट कैलेंडर। तो पहले फ्यूचर का प्रीमियम और डिस्काउंट देख के हम ये तय करेंगे कि या ये निष्कर्ष में आएंगे कि डेबिट कैलेंडर पुट में लेना है या कॉल में लेना है। लॉन्ग स्ट्रैंगल बनाएंगे उसका विधि क्या रहेगा, ये पहला एनालिसिस हो गया। दूसरा, करेक्ट स्ट्राइक का ऑप्शन हमें चूज करना है, कौन सा स्ट्राइक लेंगे तो जाके हमें फायदा मिलेगा। तो यहां पे डेबिट कैलेंडर के लिए मैं इन द मनी स्ट्राइक, डीप इन द मनी स्ट्राइक पुट ऑप्शन को चूज कर रहा हूं,
अगर ये प्रीमियम में है तो, अगर प्रीमियम में नहीं है तो डीप इन द मनी कॉल ऑप्शन को चूज करो। उसी तरह से लॉन्ग स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी के लिए भी मैंने आईटीएम स्ट्राइक को भी चूज करूंगा बोथ कॉल एंड पुट ऑप्शन के लिए। ये जो हम आईटीएम को ले रहे हैं, जब भी मार्केट में एक मूव रहेगा तो थीटा से ही हमारा प्रॉफिट बनेगा, इसीलिए हम लॉन्ग स्ट्रैंगल में डीप इन द मनी में जा रहे हैं, डेबिट कैलेंडर में पुट में इन द मनी में ही जा रहे हैं। दूसरा चीज के बाद में तीसरा स्टेप्स आता है, डेबिट कैलेंडर कौन से स्ट्राइक में बनाए तब जाके फायदा रहेगा। पहले तो इन द मनी हो गया, हमें अभी चाहिए कौन से स्ट्राइक कौन से एक्सपायरी। इन द मनी तो कुछ भी इन द मनी हो सकता है, डीप इन द मनी मीन्स उसमें से 5 से 7% का इंट्रेंसिक वैल्यू वो स्ट्राइक में रहना चाहिए, वही होता है डीप इन द मनी। ये जो डेबिट कैलेंडर हम बनाएंगे, इसका विधि जो मैंने आप लोगों को वो वीडियो में बताया, 26 तारीख का वीडियो में, लॉन्गेस्ट अवेलेबल एक्सपायरी का पुट ऑप्शन लेना है। एंड ये जो लॉन्गेस्ट सबसे लॉन्गेस्ट होगा, अगर हम इसको 26 अक्टूबर में देख रहे हैं एंड हमें कोई 26 अक्टूबर 2025 का मिला, हम 26 अक्टूबर 2026 में ये पढ़ रहे हैं या सीख रहे हैं, 2025 का भी अगर हमें स्ट्राइक मिल गया तो इसको लेंगे। लंगेस्ट अवेलेबल एक्सपायरी पुट ऑप्शंस को खरीदना है जो सबसे लंगेस्ट होगा, जिसके सबसे ज्यादा ज्यादा एक्सपायरी के लिए सबसे ज्यादा लाइफ बना होगा उसी को खरीदेंगे। एंड सेकेंड लंगेस्ट जो होगा उसी को ही हम बेचेंगे। इस लंग अगर ये अक्टूबर हो गया, हमें सितंबर का भी मिल गया, सितंबर को लंगेस्ट एक्सपायरी, जब भी हमें ये बनाना है तो लंगेस्ट एक्सपायरी को देख के ही बनाएंगे। क्योंकि इसमें से क्या होगा, ये टाइम डिके जो है सोल्ड ऑप्शंस में टाइम डिके फास्टर होगा, लंगेस्ट एक्सपायरी विल रिटेन वैल्यू, एंड इसमें जो सबसे लंगेस्ट होगा उसमें थीटा डिके ज्यादा नहीं होगा, एंड इसी से ही हमारा प्रॉफिट आएगा। ये हो गया जो तीसरा पॉइंट। जो चौथा इंपॉर्टेंट स्टेप है, लॉन्ग स्ट्रंगल कैसे बनाए। लॉन्ग स्ट्रंगल जब हम बनाएंगे, अगर प्रीमियम में है तो फ्यूचर, फ्यूचर तो ऑलरेडी प्रीमियम हम डिसाइड कर लिए यहाँ पे। अगर फ्यूचर प्रीमियम में है, हमें आईटीएम कॉल ऑप्शन लेना है, चाहे नियर मंथ का या फार मंथ का। हम करंट मंथ का लेंगे नहीं, नियर नहीं तो फार मंथ का डीप आईटीएम कॉल ऑप्शन लेंगे, जिसमें 5% का मिनिमम इंट्रेंसिक वैल्यू रहना चाहिए अंडरलाइंग एसेट के हिसाब से। एंड जो आईटीएम पुट भी हम लेंगे उसमें भी वही 5 से 6% का इंट्रेंसिक वैल्यू रहना चाहिए, बट ये पुट थोड़ा हटके रहेगा। ये लंगेस्ट अवेलेबल एक्सपायरी पुट ऑप्शन को ही हम खरीदेंगे, क्योंकि हम लॉन्ग स्ट्रैंगल बना रहे हैं, कॉल को खरीदेंगे पुट को खरीदेंगे, थीटा हमारा दुश्मन है। यहाँ पे अगर हम डीप इन द मनी चला जाते हैं तो थीटा का इंपैक्ट कम रहेगा, एंड एक ऑप्शन अगर हमारा लंगेस्ट एक्सपायरी में रहता है तो ये जो थीटा हमें नुकसान पहुंचाता है, ये थीटा हमारा प्रॉफिट देने वाला बन जाएगा, इसीलिए इस तरह का अरेंजमेंट करते हैं। यही चार स्टेप्स को देख के अगर आप यही स्ट्रेटेजी बनाओगे, आप बहुत बढ़िया फायदे में रहोगे। जो 26 तारीख एंड 26 तारीख को मैंने जो दो वीडियो बनाया, उसमें इसी बेसिस पर जो एग्जाम्पल्स मैंने दिया, 26 तारीख का जो वीडियो बनाया उसमें मैंने जब बना रहा था उस समय में निफ्टी स्पॉट 26,400 चल रहा था। मैंने ये जो सेटअप बनाया कैलेंडर का, डेबिट कैलेंडर का, इसका सेटअप ये था, 27 मार्च 2025 का पुट ऑप्शंस को खरीदो, सॉरी सेल करो, एंड 26 जून 2025 पुट ऑप्शंस को खरीदो। डेबिट कैलेंडर बना, यानी कि 81 रुपीज का डेबिट में ये कैलेंडर बना। एक्सपायरी का कौन सा है, 27 मार्च 2025 को आप बेच रहे हो, 26 जून 2025 को आप खरीद रहे हो, यही सेटअप रहा। एंड कब बना, 26 अक्टूबर को हमने इसे देखा, तो 25 अक्टूबर में जो भी है वो बना सकते हैं। 25 अक्टूबर को जब मैंने वो वीडियो बनाया लॉन्ग स्ट्रैंगल कैसे बनाया, यहाँ पे निफ्टी जब 26,200 में चल रहा था,
यहाँ पे मैंने 26 जून 2025 का पुट ऑप्शंस जो लंगेस्ट एक्सपायरी है उसको खरीदा, एंड उसके साथ में दिसंबर का, ये अक्टूबर में वीडियो बन रहा है, नवंबर गया, दिसंबर एक्सपायरी का डीप इन द मनी कॉल 23,000 का कॉल ऑप्शंस को खरीदा। ये दोनों बाई है। तो इसी तरह से ये सेटअप बनाया गया जब निफ्टी था 26,200 स्पॉट के हिसाब से, स्पॉट के हिसाब से 26,200, दिसंबर का फ्यूचर जो है वो 26,500 चल रहा था, यानी कि डीप प्रीमियम में है। तो एंड जो हमारा जून का तो फ्यूचर है ही नहीं, तो उसी हिसाब से ये दोनों को इसी तरह से बनाए। तो ये दोनों को मैंने बताया एक नोटबुक में लिख के, हर रोज बेसिस में आप इसको ट्रैक करो, तब जाके आपको सही मायने में इसका मीनिंग पता चलेगा, एंड सही मायने में ये कैसे काम करता है, कैसे रिवार्ड करता है वो भी पता चलेगा। एक नोटबुक में यही प्राइस को देख के डे एंड में प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से नेट प्रॉफिट एंड लॉस निकाल के ऑब्जर्व करो 15 दिन तक, ज्यादा नहीं, 15-20 दिन में आपको पता चल जाएगा। 10-15 दिन इसको ऑब्जर्व करो, नोटबुक में लिख के देखो तो थीटा से प्रॉफिट आता है या नहीं। अगले 15 दिन में अगर एक बड़ा फॉल होता है, 500-700 पॉइंट फर्दर फॉल होता है, या 500-700 पॉइंट ज्यादा ऊपर जाता है, तब जाके ये स्ट्रैटेजी का सही मीनिंग आपको पता चले। तो यही मैंने आप लोगों को बताया। ये वीडियो जो है डिटेल वीडियो यहाँ पे दिया गया है मेरे यूट्यूब चैनल में, 4 वीडियो 26 तारीख का, 25 तारीख का, इसको देखो फ्री टाइम में, तो आपको डिटेल पता चलेगा ये स्ट्रैटेजी क्या है। तो इसी स्ट्रैटेजी को अभी 15 दिन फॉलो करके इसका जो सिक्रेसी है, इसका जो इम्पोर्टेंस है, इसको समझो। ये इम्पोर्टेंस क्या है? थीटा, थीटा हमारा कैलेंडर स्प्रेड में, थीटा हमारा प्रॉफिट देने वाला है। तो हम थीटा को कैसे मेटरलाइज करें, वही मैंने बताया। लॉन्ग स्ट्रैंगल में थीटा जो होता है वो हमें पनिश कर देता है, यानी कि थीटा से ही ज्यादा गिरावट आ जाता है। तो वो थीटा को इतना डिस्ट्रीब्यूट कर दो कि वो मिल जाए एंड वो आपका कोई भी नुकसान ना करे। तो किसी भी चीज को अगर डाइल्यूट करना चाहते हो तो क्या करते हो, अगर आपको इतना पानी मिलाना है दूध में कि दूध का कलर ही ना दिखे, तो 1 लीटर दूध में कोई 5,000 लीटर पानी डाल दो तो कुछ दिखेगा ही नहीं। तो जब आप ये लंगेस्ट एक्सपायरी का कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन खरीद लेते हो प्रीमियम को देख के, अगर फ्यूचर में प्रीमियम है तो अप ट्रेंड से ही पैसा बनेगा। तो आपने पुट ऑप्शन ले लिया लंगेस्ट एक्सपायरी का, आपने कॉल ऑप्शन ले लिया डीप इन द मनी का, दोनों में थीटा को आपने डाइल्यूट कर दिया, एंड थीटा जो है वो जो आपका दुश्मन था लॉन्ग स्ट्रंगल में वो आपका दोस्त बन जाएगा। तो इसी तरह से ही इस तरह का स्ट्रैटेजी में पैसा मिलेगा, एंड वही अरेंजमेंट हमारा जो कोर्सेस में है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन का जो कोर्स है 40 घंटे का, इसमें भी इसी तरह से समझा गया है सारे स्ट्रैटेजी, एंड इसी तरह से आप सीखोगे तब जाके पैसा कमा पाओगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम।